हेलो एवरीवन, माय नेम इज शगन सिंह और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मार्कर की मदद से किस तरीके से कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो देखिए, कैलीग्राफी जो होती है वो ऐसा नहीं है कि कैलीग्राफी ऐसे ही आप लिखते हैं कुछ तो कैलीग्राफी होती है। कैलीग्राफी मतलब होता है कि कोई आर्ट करना, और कैलीग्राफी जो है वो एक टाइप की हॉबी होती है। तो वही मैं आपको बताऊँगी कैसे की जाती है। तो देखिए, इसके लिए अलग टूल भी लगते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें मैंने 3-4 तरीके के पेन लिखे हुए हैं कि कौन कौन से पेन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे ल्यूरेक्स के पेन की ज़रूरत पड़ेगी, एड जेल का मार्कर, फ्लेयर ब्रश, एड जेल वाला पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ल्यूरेक्स ग्राफिक प्लस। और इन सब की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये एड जेल पेन आपको कहीं भी मिल जाएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दी हुई है, ठीक है। तो आप किस तरीके से कर सकते हो इनसे, इन सब से कैलीग्राफी, ठीक है। और ब्रश पेन आपको लेना है, ब्रश पेन भी आपको जो है ले लेना है कैमलाइन का, ठीक है। और कैमलाइन का ब्रश पेन भी ले देख लीजिएगा आप कैसा होता है। तो ब्रश पेन, अगर आपके पास ब्रश पेन ना हो, आप उसको खरीद ना सको ब्रश पेन, तो आप एक मार्कर की मदद से भी लिख सकते हो। तो चलिए देखते कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पेपर की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पेपर भी आपको एक हाई क्वालिटी का पेपर के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ब्रश पेन होता है उसको ख़राब हो जाता है अगर आप कोई पतले पेपर में लिखते हैं, और उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इधर देखिए, यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ल्यूरेक्स का पेन क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ इस टाइप से होता है, ये स्केच पेन इस टाइप से होता है। और अब देखिए, ये एड जेल का पेन बताती हूँ मैं कैसा होता है। तो ये देखिए, ये रहा एड जेल का पेन जो सेकंड वाला था, और ये आपको कोई भी शॉप में मिल सकता है, और इसको आप प्लास्टिक हर सरफेस पे लिख सकते हैं। तो ये वाला पेन भी आप ले सकते हैं कैलीग्राफी करने के लिए, पर ज़रूरी तो आपको ब्रश पेन ही ज़रूरी है। और बाद में अब आता है ये फ्लेयर का, तो ये भी आप ले सकते हैं, और ये जिसमें ज़्यादा इंक निकले, मतलब जेल पेन लेना है आपको। और फिर आपका ये वाला पेन, तो आपको ये वाला पेन भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ये वाला पेन भी आपको ले सकते हैं, स्केच पेन टाइप का ये। और फिर ब्रश पेन, ठीक है। तो ब्रश पेन तो अभी नहीं देखेंगे हम, तो देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे कर सकते हैं हम कैलीग्राफी मार्कर की मदद से। कोई से भी मार्कर ले लेते हैं, हम ये वाला स्केच पेन वाला ले लेते हैं। तो ये वाला मार्कर ले कर हम करेंगे कैलीग्राफी। तो इन सबको रख देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ करनी है। Later. तो देखिए, यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब आपको यहाँ पे मैं ये वाला पेन लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपस्ट्रोक के बारे में पता ही होगा कि अपस्ट्रोक ऐसे होता है, ठीक है। अपस्ट्रोक आपका इस टाइप से होता है, और ये ऊपर की तरफ जाता है, और जो डाउन स्ट्रोक होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, उसको थोड़ा हार्डर बनाते हैं, ठीक है। तो हार्डर बनाने के लिए आपको, तो ब्रश पेन में तो बहुत ही सिंपल हार्डर बन सकता है आपका। अप स्ट्रोक आपको लाइट करना है, और डाउन स्ट्रोक को थोड़ा इसको हैवी कर देना पड़ता है। तो हम इसको कैलीग्राफी में ऐसे कर लेते हैं। पर अभी मार्कर की बात हो रही है, तो मार्कर फ्लेक्सिबल नहीं होता है जैसे ही ब्रश पेन होता है, मार्कर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो आपको ये कैसे करना है, सबसे पहले जैसे अप स्ट्रोक आपका लाइट होता है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रोक हैवी करने के लिए आपको 2 बार इसके साइड में, जैसे ये अप स्ट्रोक था, ये डाउन स्ट्रोक है, तो अप स्ट्रोक में आपको समझ गया अप और डाउन कैसा है, ठीक है। तो डाउन में थोड़ा सा ये ठीक हो जाता है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं ठीक। तो यहाँ देखिए, आप लग रहा है कि ये अप स्ट्रोक है, ये अप स्ट्रोक है। यही चीज़ आपको ध्यान रखते हुए करना है कैलीग्राफी, ठीक है। अप स्ट्रोक लाइट रखना है, और डाउन स्ट्रोक थोड़ा हैवी कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लिखते हैं, तो जैसे कि हम लिखते हैं हेलो, तो यहाँ पे हम पहले सिंपल से वर्ड लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलो लिखा हुआ है। अब आपको पहले पता है कि अप स्ट्रोक लाइट होता है, फिर डाउन स्ट्रोक थोड़ा हैवी हो जाता है। इसको हम फिल कर लेंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे, और ये भी डाउन स्ट्रोक है, तो इसको भी नीचे नीचे की तरफ हम डार्क करते जाएंगे,
भी डाउन है, तो इसमें हम डार्क करेंगे, ये भी डाउन है, डार्क डार्क। तो ये था आपको जो डाउन स्ट्रोक था, हमने इसमें डार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने हेलो लिखा है, और ये भी मार्कर की मदद से। तो इस तरीके से आप मार्कर की मदद से लिख सकते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि अप स्ट्रोक में जब लाइट जाता है, और डाउन डाउन स्ट्रोक में आपको थोड़ा सा उसको डार्क कर देना है, जिससे वो डाउन स्ट्रोक लगेगा। अब इसको आप ब्रश पेन से कैसे करते हैं, तो ये देखिए, ये हमने लिखा था मार्कर से और ये ब्रश पेन से, क्योंकि इसकी टिप बड़ी है तो थोड़ा बड़ा ही लिखवाएगा। अगर छोटी टिप वाला ब्रश पेन लेते हैं तो छोटा लिखवाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी टिप वाला ब्रश पेन था, तो इससे बड़ा और लिखवाया है, और इसको हमने मार्कर की मदद से लिखा है। तो अगर आप ब्रश पेन नहीं खरीद पाते हैं, तो आप स्केच पेन की मदद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सारे जो मैंने ये सारे पेन भी बताए हैं, आप इन सब की मदद से भी लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। और इन सब का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।